नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। और अभी इंडिया और चाइना का बहुत ज़बरदस्त तरीके से LAC में गुत्थम गुत्थी चल रहा है। उस गुत्थम गुत्थी के बीच में भारत सरकार भी जो है आयात के दिशा निर्देश में कुछ बातें भी कर रही हैं कि हम चाइना से कम आयात करें। उसको लेकर के भारत में भी यहाँ के युवाओं में एक जोश भी दिख रहा है। और उसी जोश के दरमियान इस कोविड से लड़ने के लिए इन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया है, घर पे ही बनाया है। और पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट है वो घर में जो यूज होता है सामान उसी से बनाया है। और कुछ जो असेंबल किया हुआ है वो बाजार से ला करके खुद से ही असेंबल किया गया है। क्या है, कैसे इन्होंने किया और क्या कुछ ये है, सारा कुछ जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। क्या बनाए हैं सबसे पहले ये? तो ये एक ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर है। इसे हमने घर में असेंबल किया इक्विपमेंट्स लाके, लाइक जो प्रधानमंत्री ने कहा था वोकल फॉर लोकल, तो ये लोकल प्रोडक्ट से बना हुआ चीज़ है, सस्ते दाम में बहुत एक अच्छा मशीन बनाया गया। ये मशीन क्या यूज होता है, क्या काम करने के लिए? इस मशीन के सामने जैसे ही हम हाथ रखेंगे तो सोप या फिर हैंड सैनिटाइजर इसमें से निकलेगा, जिससे कॉन्टैक्ट कम से कम होगा सरफेस से और वायरस का स्प्रेड कम होगा। एट द सेम टाइम हैंड भी डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अभी इंडिया चाइना में वार चला हुआ है, खुला वार नहीं है लेकिन वार चला हुआ है। भारत सरकार भी कह रही है कि आयात हम कम से कम करेंगे। और चाइना का जो मेन है कि वो प्रोडक्ट बनाती है, तो आप भी एक प्रोडक्ट बनाए हैं, तो आप कितने टक्कर देने के लिए तैयार हैं चाइना को? ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, दैट मीन्स ये परफेक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और आज के दौर को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करें। तो ये प्रोडक्ट इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को और भी बढ़ावा देने के लिए एक छोटी सी पहल है। इन्होंने एक पहल किया है, जिस पहल में ये बता रहे हैं कि यहाँ भारत के जो युवा हैं वो भी किसी से कम नहीं है। प्रोडक्शन के मामले में ये भी तैयार है और ये अभी तैयारी कर भी चुके हैं। इनके इस तैयारी में इनके साथ इनके दादाजी भी हैं और दादाजी का भी कुछ योगदान है। पूछते हैं कि आखिर में इनको ये बनाने का कहाँ से आइडिया आया और कैसे गए? इसी तरह एक दिन चर्चा हो रहा था, तो इसको हम बोले कि हम बड़े होटलों में जब हम जाते हैं तो नल के नीचे हाथ लगाते हैं तो पानी गिरता है, तो क्या तुम ऐसा कुछ नहीं बना सकते हो? तो इसने ये आइटम बना के दिखा। क्या अभी चाह रहे हैं कि ये स्वदेशी भी है और घर देख रहे हैं कि इसमें यूज जो किया हुआ सारा घर का ही सामान लगा हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ये आगे कैसे ये ले जा सकते हैं? आप लोग का सहयोग कैसे मिलेगा इसको? हम लोग पूरा इसको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह का कोई पहल आता है किधर से, तो सामान लार्ज स्केल में लाने से और जितना भी इसमें कॉस्ट पड़ा है उससे भी कम कॉस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है, चल रही है और तैयारी दिख भी रहा है। अब हम भी यही चाहेंगे कि हम लोग जो वाक युद्ध एक छेड़े हुए हैं, उस वाक युद्ध से दूर हटके देश हित में कुछ अपना दिमाग लगाते हुए यहाँ से हम भी प्रोडक्शन का तैयारी शुरू कर दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए हजारीबाग से राजकुमार गिरी।